हेलो, हैप्पी खुशी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मेरी आवाज़ अब तक आ रही है? आ रही होगी, क्योंकि पता है आज जो है ना, हमने 2-3 दिन पहले एक ट्राईपॉड ऑर्डर किया था और उसके साथ माइक भी ऑर्डर की थी, क्योंकि खुशी को क्लास करने में बहुत दिक्कत होती थी और वो टेबल पे रखती थी ना, कभी कभी मेरा फ़ोन ही गिरा देती थी। और जो है, इसकी वजह से मेरे फ़ोन में कितने सारे स्क्रैच आ गए और इधर उधर। तो मैंने कहा चलो मैं अभी वीडियो बनाती हूँ तो एक ट्राईपॉड मंगवा लेती हूँ और उस मतलब एक माइक भी मंगवा लूँगी तो मेरी आवाज़ भी अच्छी आएगी आप लोग तक, इसलिए मैंने मतलब मंगवाया। और आज अभी पहली बार यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब हाथ में नहीं पकड़ना पड़ रहा है, आराम से बैठ के हम आपसे बातें कर पा रहे हैं। और खुशी ने भी अपनी क्लास की तो उसे भी अच्छा लगा, बोल रही थी मम्मा ठीक है, ये बहुत अच्छा है, आप ऐसे रख देती हो तो मेरी मतलब मैं भी दिखती हूँ, मेरी बुक भी दिखती है, मैम को अच्छे से दिख जाता है सब कुछ, और ऐसे टेबल पर रख देते थे तो गिर ही जाता था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं अभी पहली बार मतलब लगा के अभी अभी सामने मोबाइल रखी हूँ तो अच्छा लग रहा है। और बस सब ठीक है, मेरा काम वाम सब हो गया है और आज ये मतलब सुबह सुबह ही चले गए, तो सुबह आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो इस वजह से सारा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया है। नाश्ता पानी बन गया था सब कुछ, फिर नहाना धोना झाड़ू पोछा जो सबके घर में काम होता है वह मैंने भी किया, जल्दी जल्दी सारा काम हो गया। अभी मैं थोड़ा आज जो है सोच रही हूँ आज या कल में मैं मार्केट जाने का सोच रही हूँ, जो बुआ का लड़का आया ना बाबू, उसके लिए मैं सोच रही हूँ कुछ कपड़े ले आऊँ। तो मैं जब कपड़े ले आऊँगी या फिर मार्केट जाऊँगी तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। और बस सब ठीक है, बच्चे थोड़ा मस्ती कर रहे हैं, बस सब बैठे हुए हैं अंदर टीवी देख रहे थे तो मैंने कहा चलो अभी मैं थोड़ा आप लोग से बातें कर लेती हूँ। और बाकी तो सब ठीक ठाक है, अब ये जो है चले गए हैं तो पता ही है मुझे अच्छा नहीं लगता, बोल रहे थे कि कल आ जाऊँगा तो मैंने कहा कल क्या छुट्टी है क्या, तो बोल रहे थे नहीं परसों, परसों कुछ है ना उस चीज़ की छुट्टी है, तो बोल रहे थे कि हो सकता है एक दिन की छुट्टी और मतलब लगा देंगे तो हम आ जाएंगे। हमने कहा ठीक है, चलिए ठीक है फिर आ जाइएगा आप। और चलिए खुशी को बुलाते हैं, आप लोग से मिलवा देते हैं खुशी को, हम मिलते हैं अभी थोड़ी देर में है ना आपसे, आप लोगों से बात करने के लिए। देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, मेरा सब खाना पीना बन चुका है, सब रखा हुआ है। और अब भैया जो है हमारे, वो सुबह सुबह नाश्ता ही नहीं करते हैं, वो चना वगैरह कुछ खा लेते हैं तो फिर वो नाश्ता नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे ही खाना बना के रखा हुआ है। बच्चे जो है थोड़ा वो नाश्ता सुबह वही चाय ब्रेड वगैरह ये सब कर लिए थे, इस वजह से वो लोग भी अभी नहीं खाए हैं, और खुशी की क्लास चल रही थी अभी तो इस वजह से जो है खाना पीना अभी नहीं हुआ है, बाकी तो सब ठीक है। हम मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। ये देखिए खुशी जो है चुप्पे चुप्पे, खुशी फ्रिज खोल के तुम क्या खा रही हो, आइस खा रही हो? अरे राम, जल्दी बंद करो फ्रिज, बंद करो फिर, देख रहे हैं इनका ये जो है बेटा जुकाम हो जाएगा आपको, बंद कर दो ये तो ना, ये अगर फ्रिज खुला इनको दिख गया तो ये जो है तुरंत लग जाएंगी उसमें आइस वाइस खाने में, कुछ ना कुछ करने में लग जाती हैं। आप तो छोटे बच्चों को जानते ही हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो इनका शरारत चालू हो जाता है, कुछ ना कुछ करने लगते हैं ये लोग। आज मैंने सुबह सुबह जो है अपने बाल में मेहंदी लगाई थी और बहुत ज़्यादा अजीब हो रखा था एकदम बाल, तो मेहंदी वेहंदी लगाई थी और अभी अभी मैंने जो है सब नहा वहा के मतलब बाल वाल धुला है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, बस बारिश ही नहीं हो रही है, मौसम अच्छा हो रखा है, बस बारिश नहीं हो रही है। चलिए तो फिर ठीक है, हम मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में, और हम मार्केट जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और बाबू के लिए हमने मतलब डेली यूज का कपड़ा लेना है, उसको डेली वेयर में जो पहनते हैं वही वाला कपड़ा लेना है उसको, तो मैं जब भी लूँगी या मार्केट जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तब तक हम जो है अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए वही मेरा पुराना अच्छा, तो हम चलते हैं
फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे अच्छा तो हम चलते हैं। आपको तो पता ही है हमारे चैनल का नाम हैप्पी खुशी ब्लॉग। आप हमारे चैनल को, अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। छोटी छोटी गलती हो जाती है, उसे आप नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि देखो मैं भी तो बोलना सीख रही हूँ ना। वैसे तो सब बातें कर लेते हैं, लेकिन कैमरे को फेस करके अगर कोई बात कर ले अच्छे से तो वो बहुत अच्छी बात होती है ना। तो धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊंगी। तब तक के लिए बाय।